हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी स्टडी में। तो आज हम लोग देखेंगे कि यूज़र द्वारा दिए गए इनपुट को हम लोग कैसे आउटपुट में प्रिंट करा सकते हैं। तो चलिए प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, हैज़ इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, और दूसरी हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड कॉन्सोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। इसके बाद हम लोग void main फंक्शन का यूज़ करेंगे और इसकी बॉडी ओपन करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्लियर स्क्रीन फंक्शन का भी यूज़ करेंगे। क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं, अगर हमने कोई भी प्रोग्राम पहले ही रन करा कर देखा हुआ है और उसका आउटपुट हमें बार बार शो हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग आउटपुट को हटाने के लिए क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ करेंगे। ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो कि इंट डेटा टाइप का होगा। इंट एक मैसेज लिखेंगे जो कि यूज़र को आउटपुट में शो होगा, और हम लोग मैसेज प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर लिखेंगे। प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमा इंटर नंबर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सेमी कॉलम। यहाँ पर हम लोगों ने ए नाम का वेरिएबल माना हुआ है। अगर यूज़र कोई भी इनपुट देता है तो वो इनपुट ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो चलिए स्कैन एफ परसेंट डी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा एड्रेस ऑफ ए। परसेंट डी इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि हम लोगों ने इंट टाइप का माना हुआ है। अगर हम लोग कैरेक्टर टाइप का मानते तो यहाँ पर परसेंट सी लगाते, और फ्लोट टाइप का मानते तो परसेंट एफ लगाते। अगर यूज़र कोई भी वैल्यू इंटर करता है तो वो स्कैन एफ फंक्शन की मदद से ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी और हम लोग ए वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे प्रिंट एफ फंक्शन से। तो प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमा ओपन नंबर, यहाँ पर नंबर मैसेज है, और परसेंट डी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ए। परसेंट डी इस वजह से यूज़ किया हुआ है क्योंकि हम लोगों ने इंट डेटा टाइप माना हुआ है, और कॉमा लगाकर ए इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि हम लोगों को ए की वैल्यू को प्रिंट कराना है। अब हम लोग गेट सी एच फंक्शन का यूज़ करेंगे। गेट सी एच फंक्शन का यूज़ करके कंसोल के आउटपुट को होल्ड कर लेंगे जब तक रिलीज़ करने के लिए कोई भी की को प्रेस नहीं करते हैं। तो चलिए वर्ड मेन की बॉडी बंद करते हैं और प्रोग्राम कंपाइल करके देखते हैं। जीरो एरर, रन